न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को टीवी चैनल की तरह चलाते आ रही है कि टीआरपी ना गिरे। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख का चीन के कंट्रोल में है। आज आप प्रधानमंत्री जी, आपके वक्तव्य में आया है 45,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख का क्षेत्रफल चीन के। और ये थ्योरी वो है जो हमारे देश के राहुल गांधी जैसे नेताओं को, कांग्रेसी नेताओं को और कम्युनिस्ट नेताओं को अच्छी लगती है, सूट करती है, वो यही सुनना चाहते हैं। क्या वाड्रा कांग्रेस देश तोड़ने वालों के साथ है, पूछता है भारत। भारत और चाइना के बीच LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर अभी भी तनाव जारी है। हाल ही में दोनों देशों की सेना में झड़प की वजह से भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चाइना की ओर से अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। इसके बाद देश भर में बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट की मांग उठने लगी। PM मोदी की ओर से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है और ना किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। PM मोदी के इस बयान के बाद चीनी विदेशी मंत्रालय ने अपनी तरफ से बयान में स्पष्ट किया है कि गलवान घाटी का इलाका उनका है। इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, द गलवान वैली इज लोकेटेड ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द वेस्ट सेक्शन ऑफ द चाइना इंडिया बाउंड्री। फॉर मेनी ईयर्स द चाइनीज बॉर्डर ट्रूप्स हैव बीन पेट्रोलिंग एंड ऑन ड्यूटी इन दिस रीजन। चाइना ये दावा कर रहा है कि गलवान घाटी उनका एरिया है। यहाँ सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में चाइना ने भारत के एरिया में घुसपैठ नहीं किया, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा, अगर चाइना भारत में नहीं आया तो हमारे जो सैनिक शहीद हुए वह भारत की सेना में थे या चाइना की सीमा में। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है, द PM हैज सरेंडर्ड इंडियन टेरिटरी टू चाइनीज एग्रेशन। इफ द लैंड वॉज चाइनीज, वाई वर अवर सोल्जर्स किल्ड एंड सेकेंड वेयर वर दे किल्ड। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने भी PM के बयान को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य आया कि हमारे भूभाग पर कोई नहीं घुसा है, चीन का नाम भी उन्होंने नहीं लिया। 2 घंटे के भीतर चीन का वक्तव्य आया जिसमें चीन ने कहा कि गलवान वैली उसका क्षेत्र है, उसका भूभाग है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे भूभाग पर कोई नहीं घुसा है, चीन कह रहा है गलवान वैली उसका भूभाग है। किस बात की क्लीन चिट आप दे रहे हैं चीन? आप और चीन एक ही जुबान में कैसे बात कर रहे हैं? अभी हमारे 20 जवानों का अस्थि विसर्जन भी नहीं हुआ है, किस सीमा की रक्षा करते हुए वो शहीद हुए? इसका उत्तर आपको देना होगा। अभी मार्च 2020 में सरकार ने संसद में खड़े होकर, मुरलीधरन आपके जो MOS है उन्होंने बोला कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख का चीन के कंट्रोल में है। आज आप प्रधानमंत्री जी, आपके वक्तव्य में आया है 43,000 क्षेत्रफल, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख का क्षेत्रफल चीन के। ये मार्च से जून के बीच में 43,000 कैसे हुआ, ये देश जानना चाहता है। AIMIM नेता उवैसी ने डिबेट में PM मोदी द्वारा दिए गए बयान पर भी कुछ सवाल उठाए हैं। देश सच ये जानना चाहता है कि क्या अप्रैल 19 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को नहीं कहा कि चीन बड़ी तादाद में अपनी फौजों को जमा कर रहा है? क्या 5 मई के दिन क्या मोदी सरकार को नहीं मालूम था कि गालवान रिवर वैली में चीन की फौज हजारों की तादाद में घुस चुकी है? क्या मोदी सरकार को ये नहीं मालूम था कि 9 मई को नकुला पास सिक्किम में इंटरनेशनल बॉर्डर में 2.5 किलोमीटर के अंदर चीन घुस गया?
क्या मोदी को नहीं मालूम था कि मई 17 और 18 को पांग सॉन्ग सू लेक में चीन घुस चुका है? मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं कि ये इनकी गलती है, नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को टीवी चैनल की तरह चलाते आ रही है कि टीआरपी ना गिरे, और इनकी टीआरपी ना गिरने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। आखिर सरकार अगर बदला लेगी तो क्या चीन को सिक्किम की जमीन से गालवान वैली जो भारत का हिस्सा है, पांगसांग सू लेक जो भारत का हिस्सा है, आप हटाएंगे नहीं हटाएंगे, बताइए हमको। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने पैंगोंग लेक में भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। ये है फिंगर फोर का इलाका, और जो नीली लकीर आप इस मैप के इस पार देख रहे हैं, ये सारा हिंदुस्तान का इलाका है। फिंगर वन, फिंगर मतलब आप सोचिए कि अगर ये है फिंगर, तो जैसे जैसे आप उंगली के नीचे आते हैं, यहाँ पर है झील, और झील के ऊपर ये चार उंगलियाँ, ये जो चार उंगलियाँ हैं ये भारत की उंगलियाँ हैं। 4 से 8 के बीच की जो उंगली है वो विवादित उंगलियाँ हैं, और 8 के पार चीन है। तो अब 4 फिंगर्स जो हैं वहाँ पर भारत का कब्जा है। फिंगर 3 पर भारत का एक पोस्ट है, पोस्ट से निकल कर हमारा एक बेस है। चीन ने 1999 में, ये इनका पोस्ट है श्रीजब 1 और 2, 1962 की लड़ाई इसी इलाके में हुई थी, तब से आहिस्ता आहिस्ता चीन आगे आता गया। आज की तारीख में चीन का एक पोस्ट है जो कि फिंगर 8 के नज़दीक है। अब साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है, यानी कि गश्त करती है, तो यानी हमारा बोट के जरिए होती है, और हमारी जो बोट्स हैं वो फिंगर 8 तक जाती हैं, और साथ ही साथ दूसरा तरीका है वॉक करते हुए, मार्च करते हुए भी हम फिंगर 8 तक जाते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि चाइनीज आर्मी फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 4 पे आ गई। अब ये विवादित इलाका है, लेकिन चाइना ने अब यहाँ पर अपना बेस बना लिया। अगर इस रिपोर्ट की माने तो चाइना भारत के सीमा में अंदर आ चुका है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी अपने शो में कुछ रिपोर्ट के हवाला देकर ये स्पष्ट किया है कि चाइना हमारी सीमा के अंदर है। पत्रकार शिव अरूर ने अपने ट्वीट के जरिए जो ये वीडियो पेश किया है, उसके जरिए वो क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो बतला रहा है कि अभी तक चीनी सेना वापस नहीं हुई है, गालवान घाटी पर उसकी संख्या बदस्तूर बनी हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि चाइनीज आर्मी ने गालवान घाटी में प्रवेश किया, और वहां पर उन्होंने जो दोनों पक्षों के बीच समझौता था उसे भंग किया। As reported by Economic Times, Chinese troops have intruded up to 3 kilometers in the Galwan area and are dominating the heights that threatens the strategic Darbuk Shiok Daulat Beg Oldi DSDBO road. यानी कि गालवान घाटी में उन्होंने 3 किलोमीटर प्रवेश कर लिया है। अब बात करते हैं मीडिया की। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर विपक्ष द्वारा सवाल खड़े किए गए, तभी मीडिया सरकार के पक्ष में खड़ा हो गया और विपक्ष पर उंगली उठाने लगा। जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सुनील चौधरी ने अपने शो में ये बताया कि चाइना भारतीय सीमा में अब टोटल कितना अंदर तक आ गया, और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल उठाए। ये करते करते पिछले 60 साल में चीन ने हमारी लगभग 43,000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर आपको ये भी जान लेना चाहिए, पिछले 60 साल में 43,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका हम ऐसे ही गंवा चुके हैं कि चीन भारत में घुस आया है और उसकी सेना ने भारत के 20 सैनिकों को मार डाला है। ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, और ये थ्योरी वो है जो हमारे देश के राहुल गांधी जैसे नेताओं को, कांग्रेसी नेताओं को और कम्युनिस्ट नेताओं को अच्छी लगती है, सूट करती है, वो यही सुनना चाहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश के नेता बहुत सस्ती दुकानदारी इस समय अपनी कर रहे हैं, राजनीतिक दुकानदारी। और इस देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो चाटुकारिता करने के लिए, अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए अपनी ही सेना को हरवाने में लगे हुए हैं, अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अपने ही देश की बदनामी करवा रहे हैं और चीन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं न्यूज 18 पर एक डिबेट में एंकर अमीश देवगन ने बीजेपी नेता संबित पात्रा से चाइना के दावे को लेकर कुछ सवाल किए, जिसका वह गोलमोल जवाब देते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने कहा चीन हमारी सीमा में नहीं है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि चीन हमारी सीमा में नहीं है तो फिर सैनिक शहीद क्यों हुए, कहां हुए, फिर बातचीत क्यों हो रही है, उसमें डिनर डिप्लोमेसी गांधी परिवार की जो भी हो, लेकिन सरकार में आप है,
रॉबर्ट वाड्रा सरकार में नहीं है, सरकार में समित पात्रा आपकी पार्टी है, प्रियंका वाड्रा सरकार में नहीं है, मैडम गांधी सरकार में नहीं है, राहुल गांधी जी सरकार में नहीं है, सरकार में संबित पात्रा आप हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस पर जवाब देना पड़ेगा। सरकार में हम हैं, मैं समझ गया। देखिए देखिए, पहले तो गंभीरता से इसका, पहले तो आप एक अमेंडमेंट कर लीजिए अपने स्टेटमेंट में। आपने कहा विपक्ष ये सवाल पूछ रही है, सॉरी सर, विपक्ष नहीं पूछ रही है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। 40 से अधिक पीएलए के जो नापाक लोग थे उनको मारा और एलएसी को सुरक्षित रखा। अमीश भाई, मैं एक सवाल पूछ के अंत कर दूंगा। राहुल गांधी चला रहे हैं, जीतू पटवारी चला रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा चला रही है, चाइना प्रोपेगेंडा चला रहा है कि गलवान हमारा है। बताइए क्या कह रहे हैं आप? चाइना ने चलाया प्रोपेगेंडा आज सुबह 10 घंटे के लिए। अमीश भाई एक सेकंड अमीश भाई, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ, गलवान हिंदुस्तान का है, क्या हिंदुस्तान ने गलवान को सरेंडर कर दिया या गलवान चाइना का है? पहले आप उत्तर दीजिए प्लीज। भारत का है, इसमें किसी को शक क्या होगा? लेकिन वही अर्णब गोस्वामी भी अपने शो में विपक्ष पर ही उंगली उठाते दिखे कि राहुल बाबा अपने नेता के देश विरोधी बयान पर चुप हैं। क्या वाड्रा कांग्रेस देश तोड़ने वालों के साथ है, पूछता है भारत। राहुल बाबा और अंतोनिया माइनो सेना से सवाल करते हैं लेकिन गद्दार से नहीं। क्या वाड्रा कांग्रेस देश के गद्दारों को बचा रही है, पूछता है भारत। और वाड्रा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लेह पर चीन का कब्जा है, होगा क्या? देश के खिलाफ जो चीन चाहता है वही वाड्रा कांग्रेस भी चाहती है। खैर, हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार ये स्पष्ट करेगी कि असल में चाइना हमारी जमीन के अंदर आया है या नहीं, और हमारी सरकार सीमा की सुरक्षा को लेकर सही कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।